दोस्त लोगन का हाल चाल बा रउर अपन चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर हम रउआ के स्वागत करत बानी। आज हम सासाराम में पायलट बाबा की यात्रा करब, बहुत सुंदर जगह बा। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सासाराम के सबसे खूबसूरत जगह पायलट बाबा आश्रम मंदिर की यात्रा करेंगे। बहुत ही भव्य और शानदार मंदिर है। वहाँ पर भगवान बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा है, शिव की 110 फीट प्रतिमा है। भगवान बुद्ध शिव के अतिरिक्त कई अन्य देवी देवताओं, संत रविदास महापुरुषों की भी भव्य मूर्तियाँ हैं। अगर आप शांति और सुकून चाहते हैं तो एक बार पायलट बाबा मंदिर जरूर आइए। तो चलिए पायलट बाबा मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं सासाराम रेलवे स्टेशन से। सासाराम रेलवे स्टेशन गांधी चौक से पायलट बाबा मंदिर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, SP जैन कॉलेज से थोड़ा सा आगे है। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। वाओ, वंडरफुल! आप सामने देख रहे हैं पायलट बाबा आश्रम मंदिर और सामने भगवान शिव की विशाल मूर्ति बन रही है, 110 फीट। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, करीब करीब काम हो चुका है, पेंटिंग वगैरह होना बाकी है। और पायलट बाबा आश्रम का जो गेट बनाया गया है बहुत ही भव्य शानदार है। दोस्तों महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती का यहाँ पर चित्रण किया गया है गेट के लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर भगवान ने शिव पार्वती। वाह, बहुत सुंदर है। और ये मेन गेट है, टाइमिंग आप देख लीजिए समय सारिणी। चलिए आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में गार्ड रूम है और राइट साइड में ये गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी हैं। भारत में परंपरा है कि पूजा की शुरुआत लक्ष्मी और गणेश से होती है, तो इस मंदिर के प्रारंभ में गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है, परंपरा का निर्वहन करते हुए। और यहाँ पर आप देखिए गेट, बहुत ही भव्य गेट बनाए गए हैं मंदिर में अंदर प्रवेश करने के लिए। कई सारे गेट हैं। वाह! और यहाँ पर माँ काली भव्य विशाल प्रतिमा, यहाँ पर भगवान शिव के छाती पर लात रखी हुई है। पहली बार भव्य तरीके से आप इस मंदिर को देखेंगे। भगवान बुद्ध आप देख रहे हैं सामने, लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। इस मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं। आप सामने देखिए भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा। श्री राम जय राम जय जय राम। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि इस मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था। इस मंदिर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा किया गया था, और उस समय जो है महायोगी पायलट बाबा भी उपस्थित थे। हाथी मेन गेट पर है। भगवान बुद्ध के जीवन में हाथी का बहुत महत्व है। इस तरफ भी आप देख रहे हैं। वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक उनके जीवन के विभिन्न अवस्थाओं का भव्य चित्रण यहाँ पर किया गया है, बहुत ही शानदार। जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपका मन आनंदित हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब भगवान बुद्ध का स्वयंवर हो रहा है, उनका विवाह का चित्रण यहाँ पर है यशोधरा के साथ। और यहाँ सामने आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध जब राजमहल से बाहर निकलते हैं नगर भ्रमण के लिए, बीमार को देखते हैं, रोगी को देखते हैं, एक मरे हुए आदमी को देखते हैं और फिर एक सन्यासी को देखते हैं। उसके बाद अपना सब कुछ, राजमहल, पत्नी बच्चे को त्याग करके और एक दिन जंगल चले जाते हैं। निर्वाण का रास्ता बताने के लिए भगवान बुद्ध ने त्याग किया,
कि आने वाली मानव जाति उस मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, ज्ञान के मार्ग पर चले, अंतःकरण के बुराइयों का नाश करे, यहीं आकर प्रेरणा मिलती है। आप सामने देख रहे हैं भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे साधना कर रहे हैं, उनका शरीर पूरी तरह से गल गया था, हड्डियां दिख रही थी, उस अवस्था का चित्रण यहाँ पर है। ध्यान के क्षण में बहुत सारे रियलाइजेशन होते हैं, अनुभव होते हैं, वो यहाँ पर चित्रण किया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न अवस्थाओं का जो चित्रण यहाँ पर किया गया है, उससे बेहतर चित्रण हो ही नहीं सकता। बहुत ही शानदार। जब यहाँ पर आप भ्रमण करेंगे तो आपका मन सहज ही शांत होने लगेगा। जीवन का क्या लक्ष्य है, आपको करना क्या है लाइफ में, ये आपको मालूम चलने लगेगा। तपस्या काल में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ध्यान की परम अवस्था को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंगुलीमाल को अभयदान दे रहे हैं भगवान। आप सामने देख रहे हैं महायोगी पायलट बाबा, जिन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। और पायलट बाबा का सपना था कि बुद्ध सर्किट का निर्माण किया जाए। और ये सामने आप देख रहे हैं बोधिसत्व द्वार है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, संगम गच्छामि, संगम गच्छामि। आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध के कोट्स भी यहाँ पर लिखे गए हैं। यह विशाल और भव्य मंदिर जो आप देख रहे हैं, महायोगी पायलट बाबा के द्वारा बनवाया गया था। उनका सपना था कि यहाँ पर सासाराम में बुद्धा सर्किट का निर्माण किया जाए, क्योंकि जब भगवान बुद्ध बोधगया से निकले थे ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने भिक्षुओं से मिलने के लिए, तो इसी सासाराम की धरती से होकर के गुजरे थे, सारनाथ गए थे। तो बुद्धा सर्किट बनाने का जो उद्देश्य था, बोधगया और सारनाथ को जोड़ना था। चलिए, और प्रतिमा और इसी मंदिर परिसर में भगवान मंदिर परिसर में और इसी मंदिर परिसर में सोमनाथ भगवान बुद्ध के अतिरिक्त, यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर यह मंदिर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और भगवान शिव की 110 फीट विशाल प्रतिमा का भी निर्माण हो रहा है। तो भगवान शिव और बुद्ध दोनों एक साथ है इस मंदिर में। इसके जरिए ये दिखाया गया है कि जो डिफ्रेंसेज है वो भ्रम के कारण है। भगवान बुद्ध, भगवान शिव कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। जब अंतर की गहराइयों में आप जाएंगे, ध्यान की गहराइयों में, तो सब एक हो जाता है। सब में एक है, एक में सब है। जो हमारी मान्यता है कि वो अलग धर्म है, ये अलग जाति है, अलग संप्रदाय है, अलग देवी देवता हैं, तो हमारे भ्रम के कारण होते हैं, माया के कारण होता है। वाकई में ऐसा नहीं है, कोई डिफ्रेंसेज नहीं है। और बाहरी दीवालों पर भी आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न अवस्थाओं का यहाँ पर भी चित्रण किया गया है। तरफ गोल गोल चारों तरफ भारत के अलग अलग ऋषियों और महापुरुषों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख रहे होंगे संत कबीर, संत रैदास, और ये सामने आप देख रहे हैं अघोरेश्वर भगवान राम हैं, जो अघोर संत थे। रे मुड़िया साधु तुभुजा चना सदृश बन, ये जो बातें हैं अघोरेश्वर भगवान राम की, आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं और मुझे मार्गदर्शन करती हैं। और यहाँ पर आप देखिए भारत माता का मंदिर, और महात्मा गांधी जी भी हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में निर्णायक भूमिका अदा की। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलिए इस मंदिर के अंदर चलते हैं, इसमें क्या दिखाते हैं। जय श्री राम, जय सीता मैया।
ये सोमनाथ मंदिर आप देख रहे हैं, जोर शोर से काम चल रहा है, शीघ्र ही इस मंदिर का भी निर्माण हो जाएगा। नमो बुधाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। और यहाँ पर संत निवास, जो भी साधु संत हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर भंडारा होता है, इधर शौचालय है और पानी पीने की व्यवस्था है। कुछ मांग रहे हो, क्या चाहिए? वाओ, अभी हम पायलट बाबा मंदिर के व्यवस्थापक से बात करेंगे और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका नाम क्या है? गोवर्धन चौबे। तो ये बताइए कि महायोगी पायलट बाबा की किस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ और उनके बारे में कुछ बताइए, कहाँ कहाँ पर क्या क्या मंदिर है, क्या क्या आश्रम है? महायोगी पायलट बाबा पहले पायलट थे, एयरफोर्स के विंग कमांडर थे जी। इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और 12 वर्ष तक हिमालय में रहकर तपस्या किया। बहुत से देवताओं से भेंट हुई, ऋषि मुनियों से भेंट हुई और वहाँ समाधि 6 वर्ष तक लगाए रह गए हिमालय में। फिर आए तो उनका गुरु आदेश दिए कि जाइए विश्व शांति का संदेश दीजिए। विश्व शांति का संदेश देने के लिए उन्होंने 165 देशों में घूमा और 165 देशों में उनका आश्रम बना है, 250 आश्रम है। मलेशिया में है, जापान में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, रूस में है। तो ये सोच कैसे डेवलप हुई कि सासाराम में बनाया जाए इतना भव्य मंदिर? ये बड़ा मतलब शाहबाद रीजन का सबसे खूबसूरत मंदिर ये है। ये सासाराम के कुछ लोग दरगाहों के जो बाबू साहब थे, जगन्नाथ सिंह, वो गोरखपुर के यहाँ पंडारी में यज्ञ कर रहे थे, वहीं वो गए थे। इसके बाद देखे तो कहे कि बेटा इतना बड़ा होकर कम से कम अपने भूमि का भी कल्याण कर दो। फिर बहुत लोग यहाँ के मिले और कहे। इसके बाद रेलवे मैदान में बाबा समाधि लिए थे, वहीं समाधि से जब निकले तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं सासाराम के लिए एक अमूल्य भेंट दूंगा। अच्छा, सरकार भी कुछ सहयोग कर रही है? नहीं, केवल बाबा का। अच्छा, तो जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, क्या उस तरह से हो रहा है? प्रचार प्रसार क्या करना है, प्रचार प्रसार तो उसका किया जाता है जो कि 2 नंबर होता है। जो 1 नंबर है उसका प्रचार क्या करना है? विश्व में कहीं भी देखिएगा तो प्रचार हो रहा है, वो तो विश्व शांति दूत है, उनका प्रचार की क्या आवश्यकता है? दुनिया खुद ही प्रचार कर रही है, पहले लोगों का कहीं भी नाम लीजिए तो। अभी भगवान शिव का आरती हो रहा है। दोस्तों, अभी हम पायलट बाबा आश्रम मंदिर की यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही भव्य और शानदार मंदिर है और मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा है और आसपास भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण है। बहुत ही सुंदर चित्रण है और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको शांति महसूस होगा। अगर आप घूमने कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं तो इससे अच्छा बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अंदर आते ही आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। बहुत ही भव्य और शानदार जगह है, भगवान बुद्ध का जगह है तो शांति तो होगी ही। तो चलिए हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं।